गैलीलियोस लॉ ऑफ आट नंबर्स इसका डेरिवेशन तो क्या ही करेंगे लेकिन इसको गैलीलियो का नाम क्यों दिया जाता है क्योंकि गैलीलियो ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली पता करी थी उस वक्त ये कैलकुलस वगैरह ये सब चीज़ें थी नहीं है ना गैलीलियो के बाद तो न्यूटन आए थे न्यूटन ने कैलकुलस बनाई थी तो गैलीलियो के पास कैलकुलस नहीं थी ऑब्जर्वेशन बेस्ड उन्होंने चीज़ें करी थी तो उनका नाम यहाँ पर है अच्छा आज हम जानते हैं कि हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है इनिशियली हमारे पास अगर किसी चीज़ को जीरो से छोड़ा रेस्ट से तो यू की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है और राइट right. अब मान लो मेरे पास यहाँ से आ, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है पहले टाइम किसी भी टाइम टी इंटरवल में उसने मान लो डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक्स अगर मैं पूछूं कि टू टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पहले तो बताओ ये टी में इतना चलेगा तो क्या टू टी में इतना उसका डबल ही चलेगी नहीं अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ये एक्चुअली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये टाइम है टोटल टू टी इसमें एक इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी है ना टी स्क्र के प्रपोर्शनल है तो अगर ये एक्स था तो वो फोर एक्स हो जाएगा है ना ये हो जाता है हमारे पास फोर एक्स सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछे कि थ्री टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है तो उसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर यह आ जाती है नाइन एक्स नाइन एक्स तक वो पहुँच गया अब गैलीलियो ने बहुत ही काम की चीज़ करी उन्होंने क्या किया इन सब के डिफरेंस ले लिए तो आप ये देखो यहाँ पर डिफ्रेंसेस अगर मैं देखूँ ये वाला डिस्टेंस था हमारे पास एक्स है ना उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाता है फोर एक्स माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू थ्री एक्स और ये वाला डिस्टेंस देखो टोटल था हमारे पास नाइन एक्स नाइन एक्स में से ये फोर एक्स हटा दोगे तो ये बचता है सिर्फ फाइव एक्स फाइव एक्स तो आप एक लॉ देख रहे हो यहाँ पर एक्स था फिर थ्री एक्स था फिर फाइव एक्स था ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं आगे वाला इसके आगे का आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी देखो वन थ्री फाइव नेक्स्ट होगा सेवन है ना तो इसके आगे अगले एक सेकंड में वो या अगले एक टी इंटरवल में वो सेवन एक्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जा जाती हैं अच्छा यहाँ पे हमने मान लिया था कि हमारे पास यू की वैल्यू इनिशियली स्पीड की वैल्यू ज़ीरो है अगर वैसा ना हो तो भी कुछ ऑड नंबर टाइप की ऐसी कोई चीज़ फॉलो होती है और मैं उसका फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस टू एन माइनस वन ए बाय ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अब इसी फॉर्मूले का स्पेशल केस है देखो यू की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाती है ये क्या है ऑड नंबर्स का ही तो फॉर्मूला बन गया है ना तो गैलीलिय लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कुछ नहीं है बस इसी का एक स्पेशल केस है और एक चीज यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जरूरी नहीं है वो जी के बराबर हो कोई भी यूनिफॉर्म है तो वहां पर नोट्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्मॉल टॉय स्टार मूविंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in the next t seconds will be बहुत ही आसान सा सवाल है ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर है तो उसमें देखो क्या होगा हमारे पास कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है इस बार वो लीनियरली यहाँ से स्टार्ट हुआ है है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है पहले टी सेकंड में उसने कुछ डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर लिया अगले टी सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा गैलीलियोज लॉ ऑफ आट नंबर उसकी वैल्यू जाती है थ्री आप सॉल्व करने जाते तो पहले टी के लिए निकालते फिर टू टी के लिए निकालते तो पता चलता वो फोर एक्स होता है फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते फिर वो थ्री एक्स वैल्यू आती तो डायरेक्टली यूज़ कर लो ना थ्री एक्स आने वाला है एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें ये दिया हुआ था टेन मीटर तो ये वाली वैल्यू आ जाती है थर्टी मीटर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर तो गैलीलियो लॉ गैलीज लॉफ गैली और नंबर के डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया घुमा फिरा करके वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शार ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ नाइन पॉइंट एट मीटर द ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम वैन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगिनस टू फॉल लुक एट द पोजिशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर वैन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर हो हो क्वेश्चन में बहुत ऐसा लैंग्वेज बड़ी हो गई लेकिन इसका मतलब समझो पहली बात तो इसमें एक गलती दिख गई मुझे कि नोजल ऑफ शार शार से जब पानी निकलता है तो उसकी स्पीड जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है है ना पर हम मान के चलेंगे यहाँ पे क्योंकि कोई और वैल्यू दी भी नहीं है तो यू इज इक्वल टू जीरो है रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसमें से बूंदे टपकते है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेकंड पे टपक रही लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो आप मान भी सकते हो कि एक एक सेकंड में टपक रही अभी मैं नहीं मानूंगा आपको मानना है तो मान लो ठीक है हमें क्या बोला है कि जब द जब थर्ड ड्रॉप गिरना शुरू होती है उस वक्त पहली ड्रॉप नीचे आ जाती है पहली ड्रॉप यहां पे आ चुकी होगी दूसरी ड्रॉप बीच में कहीं पे यहां पर होगी तो अब इसमें लॉ ऑफ लॉफ नंबर कैसे लगेगा वीडियो को पॉज करो सोचो क्वेश्चन को सॉल्व करो सॉल्व करना शुरू करते हैं देखो बूंद हर इक्वल टाइम इंटरवल में टपक रही है ना तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है टी वही टाइम इंटरवल ये वाला भी होगा कैसे किन्हीं भी दो बूंदों के बीच में जो टाइम लग रहा है निकलने के लिए वो तो टाइम सेम है है ना तो इस बूंद को आप ऐसे ही मान सकते हो मान लो एक ही ड्रॉप चली होती तो उसने पहले सेकंड में पहले टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बस दूसरे टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हो अच्छा अब यहाँ पर ये अगर मुझे पता दिया जाए कि ये दोनों टाइम इंटरवल सेम है और ये एक्स इंटरवल है तो ये हो जाता है थ्री एक्स ये हमें गैलीलिय लॉफ और नंबर से क्लियरली पता चल जाता है है हाँ, ना थ्री एक्स और अगर मान लो एक और बूंद डाल देते हैं इंट्रोड्यूस कर देते तो नेक्स्ट कितना होता है हमारा फाइव एक्स और नंबर्स के मल्टीपल्स आते हैं ओके यहाँ पर मुझे दिख रहा है फोर एक्स इज इक्वल टू एच क्यों ये टोटल हाइट एच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स अच्छा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है नाइन पॉइंट एट मीटर हमें इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर एक्स की वैल्यू कितनी आती है नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फोर हमसे सवाल क्या पूछा गया है लोकेट द पोजिशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर तो हमें यहाँ से बताना है विच इज इक्वल टू थ्री एक्स हमारा आंसर एक्स नहीं है आंसर इज थ्री एक्स विच इज इक्वल टू थ्री 4 फोर इन नाइन पॉइंट एट ये अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट फाइव समथिंग समथिंग कुछ होगी सेवन पॉइंट थ्री फाइव इज द करेक्ट आंसर तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑर्ड नंबर्स की बहुत एप्लीकेशन होती हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेस्ट तो अभी देखो ये यहाँ से इस तरीके से नीचे सड़क रहा है लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम टी इज इक्वल टू एन माइनस वन टू टी इज इक्वल टू एन सेकेंड बेसिकली एस एन इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन एनथ सेकंड तो इसका तो हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला है अच्छा अब हमसे पूछा एस एन अपॉन एस एन प्लस वन उसकी वैल्यू क्या होगी एस एन अपॉन एस एन प्लस वन डायरेक्टली फार्मूला आप लगा दोगे तो यहाँ पर वो वैल्यू आती है टू एन माइनस वन इन टू जी बाई टू डिवाइडेड बाई अगेन फॉर्मूले में टू एन माइनस वन आएगा लेकिन अब की बार एन की वैल्यू खुद बढ़ चुकी है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा टू इन टू एन प्लस वन हो गया है वो एन से बढ़कर गई माइनस वन एज इट इज जी बाई टू है ना हमें एन की जगह अब एन प्लस वन रखना पड़ गया यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ये इस तरीके से कट जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है टू एन माइनस वन और नीचे भी आ जाता है टू एन तो प्लस वन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर वैसे इसको सॉल्व करने का और एक तरीका हो सकता था क्योंकि मुझे पता है कि एन प्लस वन सेकेंड में आप एन सेकेंड में जितना चल रहे हो उससे तो ज़्यादा ही चलोगे क्योंकि स्पीड नीचे आते आते, आते बढ़ ही रही है तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली वन से छोटी आने वाली है ना वन से छोटी वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो वन से छोटा है बाकी सब में वैल्यू वन से बढ़ी आ रही है तो इस तरीके से आप स्मार्ट गैसिंग यहाँ पे कर सकते थे कुछ लोगों को लगेगा कि ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑर्ड नंबर क्यों है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो भी एक्सलेशन होता है जी साइन थीटा होता है और वो भी सीधे सीधे आप गैलीज लॉ ऑफ ऑर्ड नंबर फॉलो करेंगे क्योंकि जी साइन थीटा भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो ये बहुत अच्छा सवाल है स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द फर्स्ट थ्री सेकेंड्स ऑफ इट मोशन बहुत ही अच्छा सवाल है अगर आपको लॉ ऑफ हॉट नंबर पता है तो आप इसको चुटके में सॉल्व कर सकते हो नहीं पता है तो सॉल्व करते रह जाओगे वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं हमने पत्थर को यहां से छोड़ दिया ठीक है तो पहले सेकेंड में उसने मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया अगले सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और नंबर से हमें पता है थ्री एक्स भरगा अगले सेकेंड में और वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अब उसको मैं फाइव एक्स लिख देता हूँ फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो जाता है सेवन एक्स फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होता है नाइन एक्स फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो जाता है इलेवन एक्स इस तरीके से वो चलता रहने वाला है ठीक है हमसे क्या बोला गया है कि पहले तीन सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पहले तीन सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस कितना है वो जाता है x प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स विच इज़ इक्वल टू नाइन एक्स है ना नाइन एक्स उसने ट्रैवल किया है इज द डिस्टेंस इन इट्स लास्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड में उसने नाइन एक्स ट्रैवल किया है तो यानी कि ये वाला सेकेंड उसका लास्ट सेकेंड हो गया दिस इज लास्ट सेकेंड तो उसका टोटल जर्नी कितनी हो गई यहां से यहां तक आया होगा एक सेकेंड दूसरा सेकेंड तीसरा सेकंड चौथा सेकेंड पांचवा सेकंड पांच सेकेंड की उसकी जर्नी रही है ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर बहुत ही अच्छा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म describes डिस्क्राइब्स meter मीटर इन third second ऑफ इट्स मोशन एंड ट्वेंटी मीटर इन द फिफ्थ सेकेंड फाइंड द विलोसिटी आफ्टर टेंथ सेकेंड तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है फॉर्मूला पता है आपको यहाँ पे तो आप छुट्टियों में इसको सॉल्व कर सकते हो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास पहली बात तो ये समझो कि हर क्वेश्चन गैलीलियोज ऑफ ऑर्ड नंबर्स का नहीं होता है यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टेंथ सेकेंड का जो फॉमूला है उसकी वैल्यू हो जाती है u प्लस टू एन माइनस वन टाइम्स ए बाय टू इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है अगर u की वैल्यू नहीं दी है तो आप दो अलग अलग सिचुएशन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और n की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रखो आप उससे u और a दोनों पता कर सकते हो और और a पता चल गया तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए करके आप फाइनली वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को सॉल्व करो सॉल्व करना शुरू करते हैं हमें बोला है कि थर्ड सेकेंड में 12 मीटर चले हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे पहली इक्वेशन 12 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस थर्ड सेकेंड तो यहाँ पे एन की जगह में थ्री रखूंगा तो क्या जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू फाइव ए बाय टू इक्वेशन नंबर वन आ गई दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बीस मीटर चले एन फिफ्थ सेकेंड ट्वेंटी इज इक्वल टू यू प्लस फाइव की जगह अब की बार क्या आने वाला है हमारे पास फिफ्थ सेकंड में यहाँ पे आप फाइव रखोगे तो जाएगा टेन माइनस वन यानी कि नाइन नाइन ए बाई टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू दोनों को अगर आप सब्ट्रैक करोगे यहाँ से टू माइनस वन करोगे तो आपको मिलता है एट इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव फोर ए बाई टू विच इज इक्वल टू टू ए यानी कि ए इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई इसको इन दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हो आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी यू की वैल्यू क्या आ जाती है यू इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव ए बाई टू विच इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टेन विच इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड अब हमसे पूछा गया विलोसिटी आफ्टर एंड ऑफ टेन सेकेंड टेन सेकेंड के बाद वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यू की वैल्यू कितनी है टू एक्सलेशन की वैल्यू कितनी है टू है ना ये फोर है ना टी की वैल्यू है टेन तो यहाँ से वैल्यू आती है फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है ये भी बहुत अच्छा सवाल था और कोई ज़रूरी नहीं है कि यू की वैल्यू हमेशा जीरो आए हर जगह गैली लॉ चिपका दो है ना थोड़ा अवेयर रहना कई बार ऐसा डेटा दिया हुआ है इसका मतलब ज़्यादा डेटा दिया हुआ है इसका मतलब वो चाहता है कि आप यू की वैल्यू कैलकुलेट करो ठीक है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पूरी पूरी फिजिक्स मेरे साथ पढ़ो आ जाओ लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कोर्स है वहाँ पर है ना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है किस तरीके से यहाँ का बिहाइंड का सीन या फिर मैं घूमने जाता हूँ तो क्या मस्ती चलती है वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैशअप पोस्ट के लिए आप इस क्यू आर कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए निशु मिशु निशु मिशु निशु